I hope you all are doing great and are in best of your health. This is Gaurav from Opulence Perfumery in Lucknow, and today we are going to talk about a very sensational brand from Italy. It's called as Versace. Versace is a designer house which has been into luxurious clothing, luxurious belts, wallet, men accessories, women accessories, perfumes, and so on and so forth. And today, as I have already told you, we are going to talk about some men range of fragrances from the house of Versace. Starting with, we are going to talk about Versace Dreamer. Versace Dreamer is a gorgeous fragrance which is laden with dry, spicy pipe tobacco. बहुत ही स्पाइसी सा फ्रेग्रेंस है. मुझे लगता है कि ये अगर यंग एज के लोग लगाएं तो शायद इतना ज़्यादा अपील ना करे. दिस इज समथिंग हाईली मैस्कुलिन और एनीवन अबव एज ऑफ 30 कैन इजीली पुल इट ऑफ. बहुत ही बूजी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है. इसमें जो टोबैको का नोट है बहुत ही ड्राई है और स्वीटनेस बिल्कुल भी नहीं है. और मुझे लगता है कि ये फ्रेग्रेंस अगर आप विंटर्स में लगाते हो, पार्टीज में लगाते हो, तो इट विल डेफिनेटली गैदर योर कॉम्प्लीमेंट्स, दैट इज फॉर श्योर. बट समथिंग यू मस्ट एक्चुअली ट्राई बिफोर बाइंग बिकॉज थोड़ा सा यूनिक सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है. सो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड फ्रेग्रेंस विच वी आर गोना हाईलाइट इज कॉल्ड एज वर्साचे पोर होम. वर्साचे पोर होम इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट फ्रेग्रेंस जिसमें आपको सिट्रस को नोट बहुत ही हैवी मिलता है. इट्स अ फ्रेग्रेंस विच इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू शनेल्स पॉपुलर फ्रेग्रेंस कॉल्ड एज एलियोर होम स्पोर्ट. बहुत ही जेस्टी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है. अगर आप इसको घर पे लगाते हो या कभी ऑफिस में भी लगाते हो तो इट एक्चुअली सूट्स वेल. बिकॉज क्या होता है, जनरली फ्रेश फ्रेग्रेंसेस वुमेन को, मेन को, सबको बहुत ही अच्छी लगती हैं. सो दिस इज समथिंग विच आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10. लॉन्जिविटी स्टिल इंडियन वेदर में आपको 7 to 8 आवर्स बेयर मिनिमम मिलेगी. एंड आई वुड थिंक सो 100 ml या 200 ml बोथ आर वर्थ हैविंग. ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस राइट अप द एली. थर्ड फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ राइश. वर्साचे ऑफ राइश ब्यूटीफुल सा बॉटल है, लाइट ब्लू सॉर्ट ऑफ टोन है. और अगर इस फ्रेग्रेंस की हम लोग बहुत क्विक वे में बात करें तो दिस इज अ फ्रेग्रेंस विच इज वेरी इनऑफेंसिव. बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो बहुत लाउड होते हैं और मोर देन योर वेयरर, जो आसपास के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ऑब्नॉक्शियस फील कराते हैं या बहुत ज़्यादा हेडेक इंड्यूसिंग होते हैं. बट दिस इज नॉट अ फ्रेग्रेंस ऑफ दैट सॉर्ट. अगर आपको इन ऑफेंसिव लीनियर सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस चाहिए तो दिस इज समथिंग यू कैन हाईली हैव. आई हाईली रिकमेंड इट फॉर सेफ टू वेयर इन ऑफिस. आप अगर इसको कभी भी कैजुअल मीट्स के लिए भी लगाते हो तो दिस वन वर्क्स वेरी वेल. बहुत ही वॉटरी सॉर्ट ऑफ फील देता है ये फ्रेग्रेंस एंड आई लव स्प्रेइंग दिस वन. वाओ, बहुत ही ड्राई सी स्मेल है बट बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेग्रेंस है. फोर्थ फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज Eros. Versace Eros एक सबसे ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है Versace की तरफ से बिकॉज इसमें जो मिंट और वनीला का जो ब्लेंड हुआ है, दैट इज ब्रेथ टेकिंग. एनी टॉन्टिक एंड हेरी यू आस्क हिम, दे विल डेफिनेटली लव दिस वन. बहुत ही कामिंग सा फ्रेग्रेंस है. आप इसको क्लबिंग के लिए लगाते हो, पार्टीज के लिए लगाते हो या किसी भी ओकेजन के लिए लगाते हो, दिस वन सूट्स अप बिग टाइम. बट एक चीज है, आई डोंट फाइंड दिस वन टू बी वेरी मच्योर. सो एनीवन बिलो एज ऑफ 35 कैन इजीली पुल इट ऑफ. आई एम नॉट टू श्योर इफ एनीवन अबव एज ऑफ 35 वुड रियली वांट टू स्मेल लाइक दिस. बहुत ही बबल गम सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी है, बट इट्स अ गुड वन, गुड फ्रेग्रेंस. इसके बाद हम लोग बात करेंगे Versace Eros के न्यू फ्लैंकर की, विच इज कॉल्ड एज Versace Eros Eau de Parfum. लास्ट फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग ने बात की, दैट वॉज Versace Eros EDT. ये इन्होंने Eau de Parfum कॉन्सेंट्रेशन में रिसेंटली लॉन्च किया है और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इसकी जो लॉन्जिविटी है, दैट इज मोर देन 10 आवर्स गाइज. अगर आप Versace के फ्रेग्रेंसेस की बात करो तो बीइंग ए डिजाइनर फ्रेग्रेंस अगर 10 आवर्स की परफॉर्मेंस दे रहा है तो आई थिंक सो इट इज बैंग फॉर अ बक. 7-8 thousand की रेंज में 100 ml आता है और 10,000 का 200 ml आता है EDP. वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई. इसमें मिंट और वनीला का जो ब्लेंड है वो ऑरेंज के साथ किया गया है. बहुत ही ज़्यादा एम्ड अप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है फ्रेग्रेंस. और अगर आप इसको लगाते हो, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग इट मोर इन विंटर्स, आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छे से ब्लॉसम होके एक सेंट बबल देता है और काफ़ी ही मैच्योर सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस इसको बनाया गया. नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे, वो अगेन इज अ फ्लैंकर टू द ओरिजिनल Eros फ्रॉम 2012 एंड इट्स कॉल्ड एज Eros Flame. इट Eros Flame बेसिकली कम्स इन अ ब्यूटिफुल रेड सॉर्ट ऑफ बॉटल. बहुत ही खूबसूरत सा क्रिम्सन रेड सॉर्ट ऑफ बॉटल है. बहुत ही खूबसूरत सा अपील है, बहुत ही मैच्योर सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है.
और जो इरोस में कमियां थी शायद से मुझे लगता है इसमें उन्होंने फुलफिल कर दी है। इस फ्रेग्रेंस में मिंट और वनीला का टोन बहुत कम है, ऑरेंज का नोट बहुत कम है और आई थिंक सो इसमें जो फ्रूटी टोन है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। इसमें जो ऑरेंज का अकॉर्ड है बट बहुत ही अच्छे से एम्ड अप है। मुझे लगता है कि इसमें बॉडी नोट्स ज़्यादा खुल के आ रहे हैं इसमें और ऑल इन ऑल ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अंडररेटेड है। अभी भी पूरे वर्ल्ड में इसको इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली है बट दिस इज समथिंग गाइज यू शुड डेफिनेटली ट्राई। बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस है, 8000 रुपीज़ के रेंज का फ्रेग्रेंस है, 100 ml, वेरी गुड ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोना टॉक अबाउट दिस फेमस फ्रेग्रेंस कॉल्ड एज वर्साचे डिलन ब्लू। वर्साचे डिलन ब्लू अगर आप बॉटल देख सकते हो तो पर्पलिश ब्लू टाइप की बॉटल है विच एक्चुअली डिनोट्स दैट दिस इज अ ब्लू फ्रेग्रेंस। ब्लू फ्रेग्रेंस की हम जब बात करते हैं तो ये एक फ्रेग्रेंस मुझे क्रिस्टन डियोर की बहुत फेमस फ्रेग्रेंस सोवाज की याद दिलाता है बिकॉज इसमें जो नोट्स हैं वो काफ़ी एक्वेटिक सॉर्ट ऑफ हैं। बाय एक्वेटिक आई एम नॉट सेइंग मरीन, मरीन फ्रेग्रेंसेस के नोट्स होते हैं वो सीवीड के नोट पे होते हैं, सॉल्टी होते हैं, वैसा नहीं है ये फ्रेग्रेंस। दिस इज मोर ऑन एन ओशियनिक नोट, काफ़ी सिमिलर लग रहा है मुझे अगर आप बुल्गारी के एक्वा अटलांटिक की बात करो या वाइसल वाई की बात करो या ब्लॉड शैनल की बात करो, कुछ उस तरह का ये ब्लॉड ब्लू फ्रेग्रेंस है। और मुझे लगता है कि ये भी एक फ्रेग्रेंस ऐसा है जो मैच्योर है और साथ में देर इज़ नो एज बाउंडेशन विद दिस वन, एनी पर्सन ऑफ एनी एज कैन वेयर दिस वन एंड ही विल डेफिनेटली गेट कॉम्प्लीमेंट्स। इवन दो अभी के जो बैचेस आए हैं इसकी इसमें लॉन्जिविटी बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गेटर एंड मोर देन डैट कभी भी अगर पार्टीज में जा रहे हो तो दिस वन इज एक्चुअली हेड ट्रेनर। सो गाइज आई होप यू लव दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर नाउ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड एंड कम एट ऑपलिस परफ्यूमरी, लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।